हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो गाइस, आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम मॉकअप डिज़ाइन करेंगे, वो भी कस्टम। और जो टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा वो आप अपने किसी भी मॉकअप में यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक फाइल मैंने ओपन की हुई है, एक मॉकअप ऑन किया हुआ है। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इसका, कि हम इस ऑब्जेक्ट को, जो हमारी बॉटल है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो हमारा टॉप पार्ट है जिसमें हमारी इमेज प्लेस होगी या हमारा डिज़ाइन प्लेस होगा, एक बॉटम पार्ट जहाँ पर सिर्फ कैप है, राइट? वो हम उसका सिर्फ कलर चेंज करेंगे। इसको सेपरेट करने के लिए हम पेन टूल यूज़ करेंगे और दो सेपरेट लेयर्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो हम जाते हैं अपने पेन टूल की तरफ, राइट? पेन टूल पे मैंने क्लिक किया, इसके स्ट्रोक को मैंने कर दिया कलर और फिल को कर दिया मैंने नन, राइट? और इसको वन पिक्सल कर दिया ताकि हमें विजिबल होता रहे कि हमारा स्ट्रोक किस तरह से दिखता है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको एज मच एज एक्यूरेट बनाए, जितना हमारी कोशिश हो सकती है हम इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा मॉकअप जो है वो परफेक्ट हो, राइट? इसको शेप रहने देते हैं, ठीक है? ये हमने ड्रॉ करना शुरू किया, कोशिश करेंगे जितनी परफेक्ट शेप हम ड्रॉ कर सकें वो करेंगे। जो कर्व्स हैं वो आप देख रहे होंगे, अगर कहीं पे थोड़ा सा रिफाइन नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा टच करेंगे एंड में। अभी हम एक रफ सा जो हमारा बॉटल का शेप है वो हम क्रिएट कर लेंगे, राइट? यह हमने एक बॉटल की शेप क्रिएट कर रहे हैं। कोशिश यही है वापस कि जितना परफेक्ट हम इस शेप को लेके जा सकेंगे हम जाएंगे, ठीक है? यह होने के बाद यह हमारी हो गई एक शेप क्रिएट, ठीक है? इसको फिल कर देते हैं वापस हम और इसका स्ट्रोक हटा देते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा जो बॉटल है वो कहाँ पर जो है वो परफेक्ट नहीं है, कहाँ उसके एजेस सही नहीं है, तो हम उसकी एजेस सही कर सकें। ठीक है, ये हो गई हमारी एक लेयर। इस लेयर को ऑफ कर देंगे और कंट्रोल प्रेस करके, जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा लेयर के ऊपर जाने के बाद, तो आप देखिएगा कि लेयर के ऊपर एक सिलेक्शन बनी हुई आ रही है, ठीक है? जैसे ही मैं लेयर पे क्लिक करूंगा तो वो जो हमने एक शेप बनाई थी उसकी सिर्फ सिलेक्शन आ गई हमारे पास, ठीक है? हम उसकी सिलेक्शन लेने के बाद बैकग्राउंड इमेज में से वो एरिया सिर्फ क्रॉप कर लेंगे, वो सेपरेट कर लेंगे लेयर। मैंने बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट किया और कमांड जे और कंट्रोल जे दबा दिया तो ये लेयर सेपरेट हो गई। ठीक यही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे अपने कैप के लिए, ठीक है? हमने पेन टूल लिया और इसकी शेप ड्रॉ करना शुरू कर दी। कमांड प्रेस करेंगे और इसकी सिलेक्शन लेके बैकग्राउंड इमेज से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है? इन दो लेयर्स को हम कर देते हैं डिलीट, राइट? तो अब अगर हम बैकग्राउंड इमेज को ऑफ कर देते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास दो सेपरेट लेयर्स हैं, ठीक है, जो हमने क्रॉप कर लिए हैं। बैकग्राउंड इमेज को ऑन कर लेते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं अपने असल मॉकअप की फाइल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक शेप टूल लेंगे और यहाँ एक रेक्टेंगल बनाएंगे हमारी बॉटल के साइज़ का, आउटर एरिया के जितनी हमने एक बॉटल का जो है वो शेप ले लिया, रेक्टेंगल शेप, राइट? इसको हम फिल कर देते हैं फ्रोजी कलर से और स्ट्रोक नन कर देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम नाम दे देते हैं प्लेस इमेज। राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट।
कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी भी तीन लेयर्स को या चार लेयर्स को या जितने भी ग्रुप ऑफ लेयर्स को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो अपनी क्वालिटी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज़ नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे शेप को, और जब इस इमेज इसके अंदर कोई हम डिज़ाइन प्लेस करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्म, कोई इफेक्ट लगाएंगे, तो अंदर जो हमारे पास लेयर्स हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट? सिर्फ जो ग्रुप होगा, जो हमने एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना दिया है, सिर्फ वो इफेक्ट करेगी, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंड होगी। जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया तो यहाँ पर एक आइकन बना हुआ आ गया, राइट? हम इसकी ओपेसिटी डाउन करते हैं थोड़ी सी। अब हमने क्या करना है, इस ब्लू वाले एरिया को, जो हमारा प्लेस इमेज एरिया है, उसको वॉर्प करना है अराउंड अपनी बॉटल के। तो उसका आसान तरीका क्या है, हम कमांड टी प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल लिया। जैसे ही हम कमांड टी प्रेस करेंगे, ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आता है वॉर्प का, उस पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस वॉर्प, इस इमेज को हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, फ्रीली इसको जो है ना वॉर्प कर सकते हैं, राइट? जैसे ही ऑल्ट प्रेस करेंगे तो एक हाईलाइट बनी हुई आ रही है मैश की। क्या आप उसमें अगर और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आप और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ताकि हम इसके जो वाइट वाला एरिया है इसके अराउंड भी इस बॉक्स को स्ट्रेच कर सकें। जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑप्शन प्रेस किया, क्लिक किया, तो ये एंकर पॉइंट आ गया, और इसको मैंने यहाँ पर मूव कर दिया और इसको एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा। थोड़ा सा हमारी शेप से बाहर निकल भी रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हमें ज़रूरत है कि इस पॉइंट्स को बाहर निकालनी है, तो हम वापस ऑप्शन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ हमने यहाँ से इस एक को बाहर निकाल दिया, ठीक है, हमने एडजस्ट कर लिया इसको। यहाँ से भी थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे हम, ठीक है। ये होने के बाद हम इसकी ओपेसिटी वापस अगेन फुल कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इस प्लेस होल्डर को जो हमने नीचे एक इमेज ली थी उसके अंदर हमने इसको क्लिपिंग मास्क कर देना है। लेकिन क्लिपिंग मास्क करने से पहले हम इस ऑब्जेक्ट की तीन डुप्लीकेट्स लेंगे, राइट? जो हमारा मेजर ऑब्जेक्ट है उसकी हम तीन डुप्लीकेट्स लेंगे। डुप्लीकेट लेने का क्या शॉर्टकट ये कि लेयर सेलेक्ट करनी है आपने कमांड जे या कंट्रोल जे प्रेस करना है। मैंने तीन दफ़ा कंट्रोल जे, कमांड जे प्रेस किया, हमारी तीन लेयर्स आ गई। इन तीनों लेयर्स को शिफ्ट दबा के मैंने प्रेस सेलेक्ट किया और हमारी इमेज प्लेस के ऊपर ले गया, और उसको थोड़ी देर के लिए हमने बंद कर दिया, ठीक है, इसको ऑफ कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारी प्लेस इमेज वाली पिक्चर है उसको हम नीचे वाली शेप में क्लिपिंग मास्क करेंगे। तो राइट क्लिक करके हम क्लिपिंग मास्क कर देते हैं इसको, ये इस इमेज के अंदर क्लिपिंग मास्क होगी, जो बाहर का एरिया होगा सारा वो उस शेप के अंदर आ जाएगा, राइट? और इस प्लेस इमेज को हमने अगेन कर देना है मल्टीप्लाई। बॉटल कैप के लिए हम क्या करेंगे, एक शेप रखेंगे और उसको जो है हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के उसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमने अभी बॉटल के अपर वाले एरिया को किया है, ठीक है। मैंने यहाँ से शेप ली, इस शेप को फिल किया, इसको ऑरेंज कलर कर देते ताकि हमें विजिबल होता रहे, उसके इस स्ट्रोक को नन कर दिया, राइट? बॉटल की कैप को हम ले आएंगे सबसे टॉप पार्ट पर, ठीक है, और हम सिलेक्शन करके देखते हैं कि हमारा कुछ एरिया एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा, ठीक है। हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। इस लेयर को मैंने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको अगेन क्लिपिंग मास्क कर दिया। क्लिपिंग मास्क की करने की शॉर्टकट की क्या है कि जब हम दो लेयर्स के दरमियान ऑल्ट प्रेस करके माउस लेकर आएंगे तो एक एरो बना हुआ चेंज हो जाता है, देख रहे हैं, ये क्लिपिंग मास्क है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा दो लेयर्स के दरमियान तो वो क्लिपिंग मास्क हो जाएगा, वो उसके अंदर मास्क हो जाएगी लेयर। अगेन ये वाले टॉप एरिया को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक। इसकी भी हम तीन कॉपीज ले लेंगे, एक दो तीन, ठीक है,
कंट्रोल जे से कमांड जे से, और इन तीनों लेयर्स को लेकर आ जाएंगे टॉप पर, ठीक है, और इनकी आइज क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं अपनी प्लेस इमेज वाले एरिया पे, राइट। ये वो एरिया है जहाँ पर हमने सारी इमेजेस प्लेस करनी है, ठीक है। हम इसके अंदर जाते हैं। अब हम जो भी यहाँ पर चीज़ रखेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन रखेंगे और उसको सेव करेंगे, ये हमें उस डिज़ाइन में नज़र आएगा, ठीक है। इसकी हम एक सैम्पल लेते हैं। मेरे पास कुछ लेयर्स मैंने बना के रखी हैं, मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ। इमेज को लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, स्केल किया, ठीक है। अब मैं अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकता हूँ और एक नई लेयर लेके यहाँ पर मैं येलो का एक शेड दे देता हूँ, राइट। ग्रेडियंट टूल लेके मैं आपको ये हल्का सा इफेक्ट दे देता हूँ ताकि एक बैकग्राउंड। जैसे ही इस लेयर को मैं सेव करूँगा या क्लोज करूँगा और मैं जैसे ही अपने प्रीवियस वाले डिज़ाइन के ऊपर लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पे डिज़ाइन प्लेस हो चुका होगा, राइट। बहुत सिंपल सा है। जैसे ही मैं इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारी वो लेयर्स वापस आ गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जितनी भी लेयर्स हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एक ग्रुप ऑफ लेयर्स हैं जो डिस्टॉर्ट भी नहीं होंगी, जो ख़राब भी नहीं होंगी। आपकी जितनी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेयर्स की वो सेव करके रखता है, ठीक है। अब हम जो भी यहाँ पर प्रेस करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखेंगे, जो भी अगर हम पोजीशन लिख थोड़ी सी डाउन करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं शैम्पू, जैसे ही मैं वापस इसको सेव करूँगा या इसको क्रॉस करूँगा तो ये सेव का ऑप्शन एक डायलिंग ऑप्शन आएगा जो कहेगा इसको फाइल को सेव करना या नहीं सेव करना। सेव करूँगा, जैसे ही मैं उस फाइल पे लेके जाएगा तो ये यहाँ पर मॉकअप प्लेस हो चुका होगा, राइट। अब थोड़ा सा हमें ये मॉकअप लग रहा है फेक, तो इसकी थोड़ी सी लाइटिंग और शेडो पे काम करते हैं। जो हमने लेयर्स कॉपी की थी उसका आपको रीज़न समझ आएगा कि क्यों लिया है, ठीक है। एक लेयर का नाम हम रख लेते हैं शेडो, उसका रख लेते हैं मिड टोन, उसका रख लेते हैं लाइट, राइट। शेडो वाली लेयर को मैंने ऑन किया, ठीक है, वो उसी के ऊपर है लेयर। शेडो वाली लेयर को मैंने ऑन करना है और उस पर लगा देना है सिंपली मल्टीप्लाई, ठीक है। एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो मिड टोन वाला है हमने उसको ऑन करनी है लेयर को। लेयर को ऑन करने के बाद उस पर ब्लेंडिंग मोड लगाना है लीनियर डॉज ऐड, राइट। लीनियर डॉज ऐड लगाने के बाद मैं प्रेस करूँगा इसके, अब देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वाइट हो गया है, तो इसके कलर को बैलेंस करना है, कलर को लेवल करना है। मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल एल, जैसे ही मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया तो एक मेरे पास लेवल का जो है वो एक पैनल आ गया, जिसमें मैं लेफ्ट वाले को जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये थोड़ा सा हमारा कलर वापस आने लगेगा। अभी इसमें ब्राइट टोन बहुत ज़्यादा है तो मैं इसमें वाइट कलर को थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ, राइट। थोड़े से हमारी शेप में एक हाईलाइट सी आने लग गई, मैं इसको कर देता हूँ ओके, ठीक। थर्ड स्टेप क्या करना है, हमने अपने लाइट वाली लेयर को ऑन करना है और उस पर लगा देना है स्क्रीन। तो ब्लेंडिंग मोड्स, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ कि अगर स्क्रीन क्या करता है कि जो भी ब्लैक एरिया होगा उसको ऑफ कर देगा, और हमारा मल्टीप्लाई क्या करता है कि जितना भी वाइट एरिया है उसको ऑफ कर देगा, उसके जो डार्कर हैं शेडोज हैं सिर्फ वो विजिबल करेगा, राइट। अब वापस हम इसके कलर्स के लेवल को एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल एल किया और हमने इसको लेवल किया। अगेन यहाँ से हमारा वाइट बहुत ज़्यादा है, हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब आप देख रहे हैं काफ़ी रियलिस्टिक ये बॉर्डर लग रही है, ठीक है। सेम पूरा प्रोसेस शेडो मिड टोन और लाइट वाला हम कैप के साथ भी अप्लाई करेंगे। इसको मैं लिख लेता हूँ शेडो टोन और लाइट, ठीक है। शेडो वाली लेयर को ऑन किया,
इस पे हमने लगाया मल्टीप्लाई, ठीक है, टोन वाली लेयर को ऐड किया और विजिबल किया और उसको उस पे लगाया लीनियर डॉज और इसके लेवल को थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। ठीक उसी तरह लाइट वाले को ऑन किया और इस पे हमने लगाया स्क्रीन और इसके लेवल को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। टोन वाली के लेवल को भी थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी बॉटल क्रिएट, ये काम करी हमने, इस पर लगा दिया कलर बर्न मल्टीप्लाई की जगह, तो थोड़ा सा एक शाइनी सा और एक ग्रेडियंट वाली फील आने लगी, राइट। इसका कलर चेंज करना है, अगेन हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा कलर है वो हम चेंज कर लेंगे। डबल क्लिक किया मैंने शेप लेयर पे और उसका कलर चेंज करके, अगेन वही सिर्फ चीज़ें सेव करूँगा, ये वहाँ जाके कलर चेंज हो जाएगा, राइट। इसी तरह से वापस मैं आपको दिखा देता हूँ, शेप क्लिक लिया, उसको ऑरेंज कलर लिया, ओके किया, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, जैसे ही मैं वाली अपनी फाइल पर जाऊँगा तो कलर चेंज हो चुका होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बैकग्राउंड लेयर लेंगे और उस बैकग्राउंड लेयर को इसके, ताकि अभी जो ग्रे कलर आ रहा है इसको थोड़ा सा हम येलोइश कलर करेंगे, तो येलोइश टोन की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारी हमारा प्रोडक्ट आपस में ब्लेंड कर सके, राइट। तो हमने इस पर क्लिक किया और सॉलिड कलर पर क्लिक कर दिया, सॉलिड कलर पर कलर करने के बाद हम अपने बैकग्राउंड का कलर कोई भी चूज़ कर लेंगे और उसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम इस पर एक ब्लेंडिंग मोड लगाएंगे, ब्लेंडिंग मोड में जाना है, हमने लगा देना है इस पर ओवरले, राइट। थोड़ा सा लाइटर बैकग्राउंड है हो गया हमारा, थोड़ा सा इसको ब्राइट करेंगे हम, तो देख रहे हैं आप कितना क्लियर हो गया एक मॉकअप। और आप इजीली आप इस इमेज को बार बार चेंज भी कर सकते हैं, मैं इस इमेज में जाता हूँ और इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ, तो जैसे ही सेव करूंगा ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, राइट। अगेन थोड़ा सा मैं इसको टेक्स्ट को नीचे लेके आता हूँ, टेक्स्ट को ले आया हूँ थोड़ा सा नीचे, इस बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा नीचे लेकर आया, सेव किया और हमारी बॉटल चेंज। अब हमने इसकी कलर थीम थोड़ी सी चेंज करनी है, हम इस पर एक सॉलिड लेयर रखेंगे और इस पर लगा देंगे हम ओवरले, राइट। कितना सिंपली हमने इसको कलर चेंज कर दिया, इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे बॉटल का कलर चेंज सेम, राइट। हमने सॉलिड लेयर पे इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेंज कर लेना है जो हमारे थीम के साथ थोड़ा सा मैच हो जाए, राइट। ये हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसके कैप के कलर को चेंज करना है अगेन, तो जो कैप का जो हमने एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था उसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास शेप आ जाएगी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास कलर आ जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन से कलर लेते हैं और सेव करके देखते हैं कि हमारे सही हो रहा है नहीं, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, ब्लू की तरफ लेके जाते हैं इसका ग्रीन, सेव करके देखते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।